हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप पर। आज वापस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक डीआई का सेट, जिसके अंदर इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तीन डीआई, ठीक है ना। तीन डीआई डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर बार ग्राफ, टेबुलर और लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी तीन डीआई हैं। ये वीडियो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम डेली एक या दो डीआई डिस्कस करते हैं। उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस, मीन्स 15 क्वेश्चंस का सेट मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। वो दो डीआईज का होता है या फिर अदर अर्थमेटिक टॉपिक्स पे होता है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तीन डीआईज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला डीआई दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, दो इंजीनियरिंग और आर्ट स्टूडेंट्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है ना। ये आर्ट स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चंस पे आते हैं हम। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फर्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स फ्रॉम द जीबीटीयू एंड सीसीयू, ठीक है ना। इन दोनों से मिला के जीबीटीयू के जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो एंड जो आपके सीसीयू के आर्ट्स के, ठीक है ना, वो निकालने अपने को। तो सबसे पहले जीबीटीयू के 12% और सीसीयू में अपने 15%, मतलब 27% इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, 27% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो 27% आप निकाल दो किसका, 2000, मतलब आपको 200 जो 73 है इसको 27 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 4 14 6, फिर हम अगर लिखें 14 49 एंड 21, 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 2 8 49 57 का 7, ये 5 हो जाएगा, 14 14 14 28 5 33 का 3 7 371 आ जाएगा। उसके बाद में अगर अपन देखें आर्ट्स स्टूडेंट जीबीटीयू में कितने, 12%, सीसीयू में 17%, तो टोटल 29% हो गया अपने पास में। तो 29, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 29 को आप कैसे 247 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 8 14, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 9 4 36 एंड 63, ठीक है ना, 36 हो जाएगा, 14 और 26 56, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, 18 8 26 5 31 3, 7163, तो कितना, 7371 उसमें मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ऐड करोगे, 4 7 13 अगेन 5 14 534, जो ऑप्शन ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके जल्दी से निकाल देना है आंसर जो भी पूछा है। अगला क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं तो क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नीलकंठ ऑफ बोथ स्ट्रीम्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स फ्रॉम एचबीटीआई एंड सीसीयू, ठीक है ना। तो नीलकंठ के दोनों के अपने को निकालने, तो नीलकंठ यहाँ मेरे पास में देखो, नीलकंठ कहाँ पे है, नीलकंठ 12% है, तो 12 का आप 4 273 से 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 3 36 का 6 अगेन 3 12 7 84 87 8 12 2 24 32 3276, और यहाँ से नीलकंठ का निकालोगे 15%, 15 का मल्टीप्लाई कितना आया, 3276, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर हम इसका कितना 15% निकालना है, 15 7 105 का 5 आ जाएगा, 10 कैरी 15 × 4 60, 60 और 10 70 का 0 अगेन 7, 15 × 7 30 और 7 37, तो 6 5 11 81 हो जाएगा, ये 9 6981 आएगा आपके पास में, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम इसमें और क्या पूछा है, आर्ट्स के पूछा है एचबीटीआई आर्ट्स पूछा है एचबीटीआई एंड सीसीयू कितने हो गए, 17 और 31 31%, तो 31 को मल्टीप्लाई करना है 247 से, तो कितना हो जाएगा, 12 7 21 अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 एंड 7, ये 7 21 4 25 का इधर 2 आ जाएगा, 12 4 16 7 657। तो अब इन दोनों का क्या पूछा, रेशियो पूछा आपके 6981 का, ठीक है ना। तो 6981 एंड अब आप सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई इसका अगर रेशियो फाइंड आउट करने का ट्राई करें तो कितना आएगा, देखो 6981 7657, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 6 54 होता है, फिर 58 तो कितना होगा, सॉरी 7 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 होता है, फिर 6 बचेगा, 6 9 9 7 63, फिर अगेन 63 और 5 कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो यहाँ तो 9 से तो देखो मल्टीप्लाई ये हो नहीं रहा, अगर हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 5 जा, ठीक है ना, 13 5 65 65 48, 13 2 26 13 3 39 39, के बाद में कितना बचेगा, 9 बचेगा, 13 7 5 37, तो अपना आ रहा है। तो ये अपन देखेंगे, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, पहले जब 81 में जा रहा था तो 9 से मैंने डिवाइड किया, फिर हम 13 से करेंगे, प्राइम नंबर हमारे पास में आ गया, अब इसमें करोगे तो 13 5 13 5 65 होता है, ये 5 हो गया, फिर 11 बचेगा, ठीक है ना, 11 बचेगा, 11 13 8 4, फिर 11 तो 5 37 एंड 5 89 आपका क्या हो जाएगा, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। एक में आप डिवाइड करके देखो उसके अंदर में आंसर आ रहा हो तो हम उससे डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स फ्रॉम एचबीटीआई, जीपीटीयू, नीलकंठ एंड अमिट यूनिवर्सिटी। क्या पूछना है, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के एचबीटीआई, एचबीटीआई लेना है अपने को, ये एचबीटीआई हो गया, उसके बाद में जीबीटीयू लेना है, जीबीटीयू ये रहा, उसके बाद नीलकंठ एंड अमेठी, नीलकंठ एंड अमेठी, ठीक है ना, क्या चार यूनिवर्सिटीज का लेना, एचबीटीआई, जीबीटीयू, नीलकंठ एंड अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में टोटल परसेंटेज आर्ट्स कितना हो जाएगा, 15, 8, 23 हो गया, 23 और 12 कितने हुए, 35 और 14 कितना, 49%, ठीक है ना, 49%, ठीक है ना, 49%। अब इसमें से अपने को क्या निकालना, देखो 49% किसका निकालोगे आप, 2000 इसका आधा कर लो आप, ठीक है ना, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 12 और इसका 350, 12,350। अब उसमें से हमें 1% माइनस करना है, 247 माइनस कर दो, 247 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 103 यहाँ बच गया, 12,103, ठीक है ना, 12,103 आ गया। अब अपने पास में इसका एवरेज निकालोगे, डिवाइड 4 से करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट परसेंटेज से भी निकाल सकते थे, तो 4 3 12, फिर अगेन 0 जाएगा, 4 2 8, फिर 23, 4 5 20, ठीक है ना, 23.75 आपका क्या रहा है, एवरेज आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम निकाल लें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। मतलब 5 यूनिवर्सिटी लेनी है, टॉप लेनी है अपने को, एक तो अमेठी हो जाएगा 17%, दूसरी इसमें भी 17% है तो ये भी टॉप में, उसके बाद 17 से कम हमारे पास 15 है, फिर 15 से 14 है, फिर अपने पास में कितना 13% है, तो 5 यूनिवर्सिटीज ही हमारे पास में टॉप आ गई। इन सब का क्या करोगे, ऐड करोगे तो माइनस कितना करना है, 24% माइनस कर दो तो कितना आएगा, 76% अपने को फाइंड आउट करना है, 76% ऑफ 273। अब इसको 76 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14 49 21, उसके बाद में 6 से 12 42 और 18 8 21 63 63 64 अगेन 6, तो 12 6 18 18 18 और कितना 67 67 का 7, ये 6 14 6 20, ठीक है ना। अब इसमें से अपने को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 4 जा, फिर अगेन आपको क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 5 4 5 4 जा, फिर अपने पास में कितना रह रहा है, देखो यहाँ कितना है, 5 20, अगेन हमारे पास में 7 में 1 टाइम किया 2 4, अगेन 4 टाइम किया 4 रिमेनिंग 5 9, फिर अगेन कितना बच गया, 5 3 45, यहाँ मैंने 48 हो रहा था 5 3 45, 3 बच गया, ये 4149.6। अब फ्रेंड्स अब इसमें देखो, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। अब देखो 0.85 दोनों में दे रखा है अपने पास में, इसलिए अपने को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। अब इसमें से आप ऐड करके देख लो, या तो कितना जोड़ोगे, देखो हमें 49 तक जाना है, मतलब 23 समथिंग हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, 93 तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो अपना क्या हो जाएगा, 1123.85 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर वो करें, इफ 1/3 स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू बी इनरोल्ड इन गलगोटिया चेंज दियर माइंड, गलगोटिया में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कितने थे, 14% थे, उसमें से 1/3 ने क्या कर दिया, अपना माइंड चेंज कर दिया एंड ज्वाइन अमेठी यूनिवर्सिटी, उन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द न्यू सेंट्रल एंगल ऑफ बोथ गलगोटिया एंड अमेठी यूनिवर्सिटीज नाउ। तो यहाँ मेरे पास में 14% था, 14% अब कितना हो जाएगा, 1/3 चले गए तो 14 का 1/3 चला गया, तो 2/3 रह गया, मतलब 28/3% हमारे पास में अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मेरे पास में कितना था, 1/14/3% ऐड हो गया है, तो 17% पहले थे प्लस 14/3 हमारे पास में यहाँ हो गया, 17 51 और 14 कितने हो गए, 65, तो 65/3। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, 37/3% डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास 360 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को, तो 37/3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये 12, ठीक है ना, 12 7 84 का 4 8 12 36 और 8 44.4 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी का। तो ऐसे परसेंटेज का डायरेक्ट हमें फाइंड आउट करना, हम पहले इसका नहीं निकालेंगे, इसका एंगल निकाले, फिर उसका 1/3 निकालें, फिर इसका एंगल निकाले, उसका उसमें 1/3 उसका ऐड करें, इससे अच्छा आप डायरेक्टली हमने परसेंटेज लिया उसको सोल्व करके डायरेक्ट हमारे पास में आंसर आ जाएगा, 44.4 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रल एंगल आएगा डिफरेंस दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास इन फर्स्ट ईयर वाइल 80% ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट एनरोल इनटू सेकंड ईयर। इसमें से 75% पास हुए और मतलब इसमें 80% पास हुए, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फेल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो मतलब 25% इसका निकालना है एंड 2/3 ऑफ द पास्ट
8 स्टूडेंट्स, मतलब इसका 2/3 हमें निकालना है। तो 25% मतलब 1/4, 1/4 अपने को निकालना है, ठीक है ना, 1/4 निकालना है आपको, या फिर 25% मतलब 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 273 को हम क्या कर दें, 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 से 75 अगेन 7, 25 7 175 और 7 82 का 2 अगेन 18 मेरा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 15 2 50 एंड 16 6825 6825 6825 अपना क्या हो जाएगा इसमें आंसर आया अभी जो इसमें पास हुए। और व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट्स के कितने लेने हैं अपने को जो पास हुए उनका 1/3 अपने को लेना है, इसमें आर्ट्स में जो पास हुए उसका कितना लेना है अपने को 1/3। आगे देखो हम कैरी करते हैं इसको, वो क्या कह रहा है, जो पास्ट हुए उसका कितना लेना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फेल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट 2/3 ऑफ द पास्ट, तो 247 इंटू 80 इंटू 2/3 ये अपने को लेना है। अब इसको आप क्या करो सोल्व कर लो कितना आएगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली 247 आर्ट्स के 247 थे और उसके हमें 2/3 लेना है, 80% जो पास हुए थे उसका पास स्टूडेंट्स का, 247 को आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो 160 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 160 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 16 थी 48 का 8 अगेन 16 चौक 64 4 68 6 16 दून 32 और 6 38, तो ये 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 अगेन 28 3 9 जा 27 ये कितना आ जाएगा 12 900 क्या कहेगा 21296 अपने पास में आ रहा है, यहाँ पे 1296 आ रहा है, ये अपना क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने क्या कहता है 247 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, और हमने किससे कर दिया 243 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 243 से मल्टीप्लाई यहाँ अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है 247 से किसको करना है 160 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 247 को आप 160 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 247 को 160 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 247 इंटू 160/3, तो 0 आ जाएगा, 16 6 96 में 16 7 112 का 2 अगेन 11 कैरी हो जाएगा, 16 64 और 5 75 11 75 7 कैरी हो जाएगा, 16 2 32 एंड 7 39 39520 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर आप सोल्व करते हो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 अगेन 2 रह जाएगा, 3 7 जा 21 अगेन 3.333 आ जाएगा। अब इसमें से अपने को कितना माइनस करना है 6825 6825, अगर हम ये माइनस करें तो कितना आएगा 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 अपने पास में होगा, ठीक है ना, इधर कितना होगा 6 में से 2 माइनस होगा तो 48 से रिलेटेड कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमें और आगे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3, ठीक है ना, ठीक है 11 में से क्या जाएगा 8 जाएगा, तो अपने क्या जाएगा 3 होगा, फिर अगेन अपने पास में यहाँ क्या ना 12 में से 6348 से अपना कोई आंसर नहीं आ रहा, तो अपना आंसर कितना 6449 अपने पास में कितना 6825 को माइनस करना था, और अपना ये कितना था 39520। अगेन हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, वो चेक करना पड़ेगा, 16 का मल्टीप्लिकेशन करें हम 16 7 112 का 2 अगेन कैरी कितना हो जाएगा 11 आपके पास में कैरी हो गया 16 16 चौक 64 और 11 75 का 5 अगेन 7 79520 अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें 135 से अगेन जाएगा 730, तो ये ना 6 8 5 6 3 4 8 अपना 6348 आंसर आ रहा है, तो अपना ये 6349 जो अपना आंसर, हमने 6449 देख लिया, ये अपना आंसर क्या आ जाएगा 6349, क्योंकि 48 एग्जैक्ट आंसर नहीं है अपने पास में, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आई थी, तो ये आंसर टिक करते टाइम भी फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, जैसे कि अपने मिस्टेक हो गया, अपन सी को देख रहे हैं, ऑप्शन ए देखा ही नहीं, तो यहाँ ऐसे टाइम कंज्यूम हो जाता है एग्जाम्स में, वो अपने को नहीं करना होता, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आगे अगर हम दूसरी डी आई की बात करें, वो क्या करा है, ये पाई चार्ट और टेबुलर फॉर्म का मिक्स डी आई है, ठीक है, ये क्या करा है स्टडी, ये टोटल जो जॉब्स की टोटल एक्सपीरियंस दे रखा है एंड यहाँ डिफरेंट वैकेंसीज दे रखी है अदर अदर सेक्टर्स में, उसका अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो अपने को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अपने को पता है, एवरेज यहाँ से निकालना पड़ेगा, कैसे, इन सबको ऐड करोगे तो 0 इसमें देखेंगे 954 अगेन यहाँ से किया जाएगा 14 का 9514 का 4 अगेन कैरी 6 8 और 6 14 14 एंड 5 19 19 और 8 27
27 और 7 34 एंड 2 6 ये 3 हो जाएगा, 9 और 18 3 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28 और 6 34 और 3 44640 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 6 डिपार्टमेंट में। तो 44640 को क्या करोगे आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 7 जा कितना आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अप्लाइड फॉर ए गवर्नमेंट जॉब इज गवर्नमेंट एग्जाम ठीक है ना इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अपने को यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालना, एवरेज अपने को इसका निकालना है। तो 93 लाख इसमें कितना इसका भाग देना पड़ेगा, 6 डिपार्टमेंट से है तो इसको आपको भाग देना पड़ेगा, इसमें आप डिवाइड करोगे 6 से ठीक है ना। तो इसको आप अगर हम करें तो इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 9 1 9 सॉरी 6 1 6 अगेन 3 बच गया, 6 5 जा फिर कितना बचा 3 बच गया ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 6 1 6 3 बचा था, 6 5 30 अगेन 30 बचा ये 5 हो, यहाँ तो 1 2 3 0 ये हमने लगा दिया। अब इसको अपने को मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो इसका कितना फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई करना। तो अब देखो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा 155, एक्चुअल क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास में ठीक है ना कि 1,50,000 जो भी आपके पास में जॉब आ रही है वो कितना है 44640 ठीक है ना। तो ये आपके पास में इसमें आपको किसका डिवीजन करना है 44640 ठीक है ना। तो अब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो अगर 4 से मल्टीप्लाई करें हम तो 40,000 अगर हम देखें तो 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे सॉरी 40 से मल्टीप्लाई करें 41 वाला आंसर करें, अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 लेक हो जाता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ना। उसके बाद में अगर अपने पास में देखो इसका निकाल लो आप, यहाँ तक जाना है ना अपने को, तो इसका अगर 10% निकाल लें अपन तो 10% कितना आएगा इसका 1/10 10% का मतलब 1/10 तो कितना हो जाएगा ठीक है ना ये आएगा। अब मैं अगर इसका 10 मतलब इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 400,000 तो मैं 20 टाइम करूंगा फिर 30 टाइम करूंगा तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें हम तो कितना आ रहा है देखो 4 4 3 12 2 80 1 आ जाएगा कैरी 1 हो जाएगा 3 4 12 कैरी 1 6 3 18 18 और 1 19 अगेन कैरी 1 हो जाएगा फिर 3 से मल्टीप्लाई अगेन 13 कैरी 1 एंड 3 से मल्टीप्लाई करें 1 3 3 9 2 फिर अगले पास में 0 है तो ये 1,13,00,000 ये अपने पास में वैल्यूज आएगी ठीक है ना। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 13,39,200 वैल्यूज आएगी। तो मीन्स अगर हमें 10% मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका 5% कितना आएगा देखो 22,23,20 इसमें अगर हम ऐड कर दें तो अपने पास में 1,500,000 और 3,000 समथिंग है और ये 320 है तो मीन्स 15,50,000 के नियर अबाउट वैल्यू जा रही है। तो अपने पास में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करते हुए आंसर्स फाइंड आउट करने जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाती है बहुत बड़ी आ जाती है तो अपने क्या करेंगे ऐसे ही सोल्व करने सारे क्वेश्चंस को। पीछे की डीएज में मैंने आपको ऐसे ही बताया, अगर आगे वाला देखें हम क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ रेलवे रिड्यूस द 2/5 ऑफ इट्स वैकेंसीज, रेलवे की मीन्स वैकेंसीज क्या हो जाती है 2/5 वैकेंसीज कम हो जाती है। तो रेलवे में अभी मेरे पास में कितनी है 16,250 तो 2/5 कम हो गया मतलब 3/5 रिमेनिंग रह गया तो 5 से इसका मल्टीप्लीकेशन करें 5 3 जा ठीक है ना 5 3 जा 15 अगेन 2 कैरी बच जाएगा 5 2 जा 10 अगेन 2 बचेगा 5 1 जा इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 0 5 3 5 जा 15 अगेन कैरी ये 7 और 9,750। उसके बाद में क्या कह रहा है विल द टोटल वैकेंसी विल बी रिड्यूस बाई हाउ मच परसेंट, टोटल वैकेंसी कितनी कम हो जाएगी मतलब हमारे पास में ये कितनी थी लास्ट हमने फाइंड आउट किया था 44640 थी और हमारे पास में वैकेंसीज कितनी कम हो रही है देखो ये 3/5 हमने निकाल दी तो 2/5 निकालनी है अपने को 6,6500 वैकेंसी मतलब 6,500 वैकेंसी कम हो रही है तो 6,500 कितना परसेंट होगा 44640 का 100 करते हो आप ये अपने मेरे पास में कितना आ गया 65,000/44640 ठीक है ना। अब यहां से आप फाइंड आउट करो देखो अब मैं इसमें डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका अगर मैं देखो वैल्यूज फाइंड आउट करें ये कितना वैल्यू डिफाइन करेगा अगर मैं यहाँ से सीधा निकालूँ 6,500 से निकालता मैं कितना आ रहा था
44640 का, ठीक है ना। तो 10% 10% मेरे पास में क्या आ रहा है, 10% आएगा 4464, ये 10% आ गया। अब मैं 1% की अगर मैं बात करता हूँ तो 1% मेरा कितना आ जाएगा 446.4, ठीक है ना, 446.4। तो यहाँ से अगर मैं 3 times मल्टीप्लीकेशन करूँ, देखो 3 times अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, मुझे कितना चाहिए अभी यहाँ से पहुँचने के लिए, नियर अबाउट कितना चाहिए, 2000, है ना, 2000 मेरे पास में चाहिए, कितना चाहिए 2000 तो चाहिए, उससे क्या हो जाएगा 6464 आ जाएगा, और ऊपर कितना चाहिए 36, ये 2036 आपको फाइंड आउट करना। तो अब इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या मेरे पास में 200 के नियर अबाउट चला जाएगा। अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 3200, तो 4000 3200 7000 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2800 आएगा, तो वो भी मेरे पास में आगे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो और मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना रहेगा 400 फिर 46 को भी अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 के समथिंग 1400 की वैल्यू आएगी, पर मुझे 2000 चाहिए, तो आपके क्या हो जाएगा 14.56, इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन SSC टू द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पर पोस्ट इन IBPS, ठीक है ना, डिफरेंस फाइंड आउट करना है हर एक पोस्ट में। तो यहाँ अगर हम देखो टोटल वैकेंसीज हैं, एक वैकेंसी पे कितने एस्पिरेंट्स हैं, कितनों ने अप्लाई कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। कौन कौन सा का, एक तो IBPS का चाहिए अपने को और एक SSC का चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ SSC 24% है और ये IBPS 28% है। तो सबसे पहले 93 लाख का आप क्या करो 24% निकालोगे, फिर IBPS का क्या निकालोगे 28% निकालोगे, ठीक है ना। तो 93 50 हमने लगा दिए। अब इसका हम अगर 28% निकालें इनटू 28, ठीक है ना, तो आप मतलब ये 2 0 हमारे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगी। 93000 का क्या करोगे आप, 93000 का क्या निकालो 28% निकाल लो, 93000 को 28 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना आएगा 28 की टेबल से अगर हम इसको करें तो कितना आ जाएगा 2604 एंड अगेन 3 0 मेरे पास में आ जाएगा। ये मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो IBPS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वही अगर मैं फाइंड आउट करूं उसके लिए तो उसको मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 93000 से, बिकॉज 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी परसेंटेज वाली, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 जा अगेन 24 9 जा कितना होता है 216 हो जाएगा, 16 और 7 33, ठीक है ना, 216 और 23 तो कितना हो जाएगा 223, 00 लग जाएगा, सॉरी 30 लग जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास में कैंडिडेट कितने हैं 22320 और यहाँ मेरे पास में कैंडिडेट कितने 260400। अब IBPS में टोटल वैकेंसीज कितनी है 9500, ठीक है ना। वो कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पर पोस्ट। तो ये मेरे पास में टोटल एस्पिरेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 95। सो अब इसमें डिवाइड कर दो, तो अगर हम इसमें डिवाइड करें, किसका डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, डिवाइड हम करेंगे 9500। तो मेरे पास में कितने, इसका डिवाइड करोगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हुई, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 95 दो बार चला जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद में रिमेनिंग रहेगा, फिर 7 times फिर 74 समथिंग आएगा, 274 अपने पास में एक वैकेंसी पे आ रहे हैं। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, SSC में मेरे पास में 9890 कैंडिडेट कितने 9890, ठीक है ना, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ अपने पास में अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई अगेन कितनी बार जाएगा 900। अब इसको यहाँ अपने वजह से प्रॉब्लम जाती है कि जल्दी से हमने कैसे करना है, तो यहाँ क्या करोगे नियर अबाउट 900 के अराउंड है, तो 2 से ज्यादा नहीं जा सकता, इसको अगेन सोल्व करोगे फिर वापस 2 में जाएगा, फिर अगर हमारे पास में कितना जाएगा रिमेनिंग बचता है, फिर उसमें कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो 225 नियर अबाउट वैल्यूज आ रही है, तो 224 and 274, ठीक है ना, 224 and 274 का डिफरेंस कितना आएगा अपने पास में नियर अबाउट 49, यहाँ कितना आ रहा है 49 आ रहा है, तो अपने पास में 49 के आसपास, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन का लिया है तो 50 तो नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 45 नहीं, 48 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यूज हमें क्या लेनी है परसेंटेज फ्रैक्शन लेना, हमने पहले भी फ्रैक्शन में लिया, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा 48।
फॉर ईच वैकेंसी फोर विल बी सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, वो कह रहा है एक वैकेंसी के लिए चार इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाते हैं, देन वन विल बी फाइनली सेलेक्टेड इफ नंबर ऑफ वैकेंसीज वो आईबीपीएस इंक्रीज बाय 10%। आईबीपीएस की वैकेंसी कितनी है 10% से बढ़ जाती है, ठीक है ना, 10%। तो मेरे पास में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर आईबीपीएस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू इन पीएसयू एंड केवीएस टुगेदर। केवीएस एंड जो है फॉर ईच वैकेंसी फोर विल बी सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए चार जने सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना, एक पोस्ट के लिए। तो पीएसयू ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू इन पीएसयू एंड केवीएस। तो पीएसयू एंड केवीएस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ गई मेरे पास में 3500 वैकेंसी आ गई। इसको अगर चार से मल्टीप्लाई करते हैं 14000 अपने पास में कैंडिडेट्स, 14000 कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और वो क्या पूछ रहा है, IBPS is increased by 10%, number of aspirants qualified for interview for IBPS, तो IBPS में इंटरव्यू के लिए 95 प्लस 950 वैकेंसी क्या होगी अपने इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 0, 5 और 10,450, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0, 2, 4, 4 जा 16 और 18 हो जाएगा, और अब 4, 1, 8, 0 कितना गुना है 14,000 का, वही अपने को पूछा है इसने। तो तीन गुना तो नहीं है, पहले हम देखें 3 × 14, 3 × 3 = 3.5 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 4.3 तीन ऑप्शन हो गए, 14 × 2 = 28 मेरे पास में बहुत कम हो रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली कितना है 3 times है। ये कैलकुलेशन थोड़ा ईजी था इसके अंदर, बाकी ये थोड़ा कैलकुलेटिव डी आई है। आउट ऑफ ऑल द वैकेंसीज अलोकेटेड 15% ऑफ द सेलेक्टेड एस्पिरेंट डिड नॉट ज्वाइन, 15% ने क्या किया था, ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, जो भी जितनी भी वैकेंसी है उसका 15%। तो ये अपने पास में कितना आया था 46,440, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था कितना आया था, इसको हम चेक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बताया था मैंने कि ये अपने को 44,640 44,640 हमने पास में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी। इसका अगर अपने को क्या करना है, आउट ऑफ ऑल वैकेंसीज अलोकेटेड 15% ऑफ द सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स डिड नॉट ज्वाइन, तो ठीक है ना, इसका हमें कितना निकालना है 15% निकालना है, ठीक है, तो 44,640 का 15% वैसे तो कितना आएगा 3/20 होता है 15% का मतलब, तो 0 से 0 गया, अगेन 2, 2, 2, 3, 2, 6, 9, 6, 6 6,696 ने ज्वाइन नहीं किया। हेंस 8% ऑफ द IBPS एंड 10% ऑफ द रेलवे वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड, और उसमें से भी क्या हो रहा है, इसमें 8% और इसमें 10%, ठीक है ना, तो 989 इसमें और 89 अगर इसकी बात करें 8, 5 जब 40 एंड 8, 9 जब 17 760 वैकेंसी इसमें अनफिल्ड रखिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ टोटल वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड फॉर IBPS एंड रेलवेज टू द रेस्ट ऑफ द ओरिजिनेशन वैकेंसीज विच रिमेन अनफुलफिल्ड, ठीक है ना, तो ये 9, 8, 4, 8, 6 जो 14 अगेन 1749 वो कह रहा है कि जो आपके हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड फॉर IBPS एंड रेलवे। अच्छा रेलवे की निकालनी थी हमें, सॉरी रेलवे, ठीक है ना, 10% ये 10% नहीं लेना, अपने को लेना है 1625 यहाँ लेना है और 760 ये लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 582385, ठीक है, 2385 रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी विच रिमेन, तो 2385 तो इसमें ही रह रही थी, अब 6,696 में से क्या करूँगा 2385 माइनस कर दो, एक बचेगा यहाँ, 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ कितना 3 बचेगा, यहाँ 2381, तो ये कितना 2385 यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 6 में से 4 जाएगा 2 जाएगा 431, तो ये कितना है 4311 का कितना परसेंट है, जो इन दोनों रेलवे IBPS एंड रेलवे की जो अनफिल्ड वैकेंसी थी वो टोटल जो रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका उन वैकेंसीज का कितना परसेंट है। अगर मैं देखो 50% की बात करूँ, 50% तो कितना आएगा इसका 43
43 का हाफ कितना होगा 215, मतलब नियर अबाउट ये होगा। और 60% की बात करें तो 2400 समथिंग चला जाएगा। तो 50 एंड 60 के बीच में, और 50 एंड 60 के बीच में अपने पास में ऑप्शन ही एक 55 दे रखा है। मेन कंसेप्ट ये है कि आपको ऑप्शन कैलकुलेशन के बाद में ऑप्शन कैसे टिक करना था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50% की अगर बात करें तो 50% कितना होगा 215, 430, 431 था तो इसका कितना हो सकता है 215 हो सकता है। तो फिर अपने को क्या करना है, अब देखना है कि 2150 तो मेरा 50% हो रहा है तो अपने को ज़्यादा देखना है, तो 60% वाला देखें 50 से ज़्यादा। 60% की बात करूँगा तो मैं 431, 10% हो रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 4 24, मतलब 2400 वो उससे ज़्यादा जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का ऑप्शन अपने पास में क्या है 55 आ रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन अगर डी आई देखें, जो लास्ट डी आई आज का अपना, उसमें हम देखते हैं दो डाटा दे रखा आपके, इसमें दे रखा है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दे रखे हैं और अपीयर्ड कैंडिडेट्स दे रखे हैं और अपने को सोल्व करना है। वो क्या करा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ए बी एंड सी टुगेदर, क्वालिफाइड ए बी एंड सी, तो 16%, 16, फिर 18% और 16%। तो 16 और 16 कितने हुए मेरे पास में 32 और 20, 52%। 52% हमें 8000 का क्या है 8000 का 52% हमें निकालना है। 52% इंटू 8, 8 2 16, अगेन कैरी, 8 5 14, 41 60, 4160 अपने पास में कैंडिडेट आगे टू द। और इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करने की रेशियो पूछा है इसने, 52 into 8000 divided by 100, ठीक है ना, रेशियो टू द अपीयर कैंडिडेट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी ई एंड एफ। डी ई एफ में अपीयर कैंडिडेट्स कितने 15 और 25, 40 और 10 50 बटे 100 into 36000। तो रेशियो हो तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इधर 30 से 30 ये कैंसिल आउट हो गया, 52 into 8 रेशियो 50 into 36 आ रहा है, 4 2 4 9, ठीक है ना, अगेन 2 इधर 25, तो 52 रेशियो 25 9 2 25 कितना अपना आ जाएगा 52 रेशियो 225, 52 रेशियो 225 राइट आंसर आ जाएगा। जहाँ भी रेशियो पूछे, परसेंटेज पूछे, वहाँ अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप एक बार लिख लीजिए फिर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड विद रेस्पेक्ट टू दोज अपियर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बी एंड सी टुगेदर, वो कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड बी एंड सी के जो क्वालिफाइड हैं, बी एंड सी के क्वालिफाइड कितने हैं, बी एंड सी के क्वालिफाइड है 20 और 16, 36% है ना, 36 into 8000 बटे 100, ये चाहिए अपने को ऊपर। अब उसके अंदर पूछा टू द अपियर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बी एंड सी, बी एंड सी से अपियर्ड कितने हुए 38 अपियर्ड हुए, 38 बटे 100 इंटू 36000, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 into 8 upon 38 into 36 ये कैंसिल आउट हुआ, 4 2 9 2 upon 9, तो 2 upon 9 अपना कितना परसेंटेज बनेगा 2 upon 9, 1 upon 9 होता है 11 1 by 9, तो 22 upon 22, तो नियर अबाउट 22% अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दोज अपियर्ड, तो यहाँ मेरे पास में देखो अगर मैं 8000 का 20% निकालूं तो कितना आ जाएगा 8% का ये 1600 आएगा, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे 16 निकालूं, 16 8 जा 128, 1280, इसका भी 1280 आ जाएगा। फिर 18 का निकालूं मैं, 18 कितना है 18% कितना आएगा, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 का 4 6 16 8 14 1440, ये आ गया, ये भी 1440 हुआ, और ये कितना 12%, तो ये 960। अभी एक ही में बात करूं तो 12% अपने पास में अगर निकालना है तो 12 को 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 10 मतलब 360, सबको क्या करो 360 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 360 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा देखो 0 2 7 12 3 36 और 7 4 3 2 0, अगर मैं यहाँ से 18 से बात करूं तो 18% मेरे पास में कितना हो जाएगा इंटू 360, तो 18 6 कितना होता है 18 को ये 8 हो गया, ठीक है ना, 108 ये 10 54 6 4 8 0, अब इसका 20% तो ये कितना हो जाएगा 720 और 20 लग जाएगी आपके पास में। फिर अगर 15% हमें निकालना है तो 15% निकालना है तो 360 से मल्टीप्लाई करोगे 50 को 0 15 6 जा 90, ठीक है ना,
अगेन 15 45 54 5400 ये कितना हो जाएगा 3600, अगर 25% निकालना है तो 9000। अब देख लो यहाँ से डायरेक्टली कि कौन से इंस्टीट्यूट में कैंडिडेट क्वालिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दोज अपीयर्ड जितने हुए हैं उसमें क्वालिफाइड कितने हुए। यहाँ 1200, ये देखो 1600 अगर 6480 का निकालूं तो कितना आएगा 1/4, मतलब 25% के नियर अबाउट क्या हुए हैं इसमें क्वालिफाई हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ 1280 मतलब 432 मेरा 10% आएगा, 432 मतलब 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1299 मतलब नियर अबाउट 30% यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अभी तक मेरे पास में ए में सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर 1280 और 7200 तो मतलब इससे 30% से तो कम ही होगा, ये अपने को चेक कर देना, ये भी परसेंटेज इसका कम होगा। 1440 है ये 5400 का, तो इसका 540 10% होता है, 20% की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, तो 1440 कितना होगा 30% कितना 1500 से ऊपर, तो मतलब ये भी कम हो रहा है। 960 3600 का कितना होता है 25% मेरे पास में 900 होगा, और जो 60 है वो कितना हो जाएगा आपके 60 3600 कितना परसेंट होगा निकाल दो 1 something, तो 26 यहाँ आएगा, इसमें कितना आ रहा है 26 समथिंग आ रहा है। फिर 1440 9000 का अगेन इसका 10% ही 900 होगा, फिर ये 15%, तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऐसे अपने को एक फिक्स्ड हाईएस्ट वैल्यू देख लेनी है, उसके बाद में आप इसका राइट आंसर फाइंड आउट कर लोगे। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ए बी एंड एफ टुगेदर। ए बी एंड एफ से अपीयर्ड कैंडिडेट्स ए बी एंड एफ कितना है, 12 और 18 कितने होते हैं 30 और 55%, ठीक है 55% अपने को निकालना है 36000 का, 11/20 निकालना है, ठीक है 36000 का तो कितना आएगा 19800 क्या आ जाएगा अपने पास में 55% आ जाएगा। तो ए बी एंड एवरेज, अच्छा एवरेज पूछा उसने तो इसका एवरेज निकाल दो, यहाँ से अपने को 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 6 6 6600, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 6600, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, एवरेज मैंने ध्यान नहीं किया डायरेक्ट ऑप्शन कैसे करते, देखो फ्रेंड इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ मैंने निकाला 55%, ठीक है ना, 55% अगर 3 से मैं डिवाइड करूँ कितना आएगा 18 समथिंग आएगा, 18 1 जा, तो देखो 19800 तो इसका क्या है लगभग अगर 36000 का 18% 50% के बराबर है, ठीक है ना, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। 2200 की मैं बात करूँ तो 2200 की अगर बात करते हैं तो 2200 कितना हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाता है अपने पास में 2200, तो ये 360 तो मेरा कितना हो गया 1% हुआ, 3600 मेरा 10% होता है, ठीक है ना, तो 3600 से भी कम चला गया तो अपने 18%, ये भी गलत हो गया। 8600 की अगर बात करें हम, 8600 मेरा जो 20% की मैं बात करता हूँ, 20% कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा, पर अपने को तो 18% भी आना है तो 6600 अपना क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, या फिर सीधा भी निकाल सकते हो आप तो अपना 6600 इसमें क्या राइट आंसर आएगा। तो फ्रेंड ऐसे हम डीआई को सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग डीआई थी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है कि ये बेसिकली जो ये टाइम कंज्यूमिंग डीआई है ये मेंस के एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें दो डाटा प्री में जो हमने प्रीवियस डीआईज किए हैं वो डायरेक्टली पूछी जाती है, जिसमें ऑप्शन बेस्ड पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि चैनल को ग्रोथ होने में हेल्प मिल सके। थैंक यू।